अगर मरने के बाद आप भी जिंदा रहना चाहते हैं तो जिंदगी में या तो कुछ लिख जाइए या कुछ लिखने लायक कर जाइए। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग मैथमेटिक्स पढ़ना स्टार्ट किए हुए हैं, उसमें क्लास 11th की ट्रिग्नोमेट्री बहुत से बच्चों का रिवाइंड आ रहा था, सर हम लोग को ट्रिग्नोमेट्री मैथ में बता दीजिए। तो चलिए उस लेसन को हम लोग स्टार्टअप करना चाहते हैं। क्लास 10th, 11th, 12th तीनों क्लासों के लिए बहुत ही बेनिफिटेड लेसन है, क्योंकि देखिए हमारी जो ट्रिग्नोमेट्री होती है ना, वो सभी क्लास को जोड़ करके लेकर चलता है और हमारी लाइफ लाइन्स हर कॉम्पिटिशन में अप्लीकेबल होता है। ठीक है, तो थोड़ा सा अगर आप बेसिक चीजें समझने की कोशिश करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से यह लेसन समझ में आएगा। ट्रिग्नोमेट्री के कुछ पर्पज चीजें आपने क्लास 11th 10th में देखा होगा। तो फर्स्ट इसमें हमें मिलता है चेंज ऑफ रेडियम टू डिग्री एंड डिग्री टू रेडियम। देखिए अगर आपको क्वेश्चन इस प्रकार से अगर आता है, चेंज इन टू रेडियन, अगर हमको रेडियन में चेंज करने के लिए आता है तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है। जैसे मान लीजिए 60 डिग्री दिया गया है, उसको हमें रेडियन में चेंज करना है। तो रेडियन में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, यह कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम्स में, दैट मीन्स पाई बाई 3 रेडियन हो गया। ठीक है, तो पहला तो कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो गया कि अगर हमें रेडियन में चेंज करना है तो मल्टीप्लाई करना पाई अपॉन 180 से। ठीक, सेकेंड कॉन्सेप्ट हमारा है, इसी को उल्टा होता है, रेडियन टू डिग्री। अगर रेडियन में दिया गया है तो उसको हम डिग्री में कैसे चेंज करें, तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है, केवल पाई के स्थान पे हम 180 डिग्री रख सकते हैं। ठीक है, जैसे हमारा है पाई बाई 4, यह हमारा क्या है, रेडियन में है, बट अगर इसको हम डिग्री में चेंज करना चाहते हैं तो पाई के स्थान क्या कर देंगे, 180 रख देंगे अपॉन 4, डिवाइड्स कर देंगे तो 4 4 जा 16 और 5 जा 25, 20, तो ये हमारा जाएगा 45 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट के आधार पे हम इसको निकाल सकते हैं। और आपने पढ़ा होगा जैसे 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट्स होता है और 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड होता है। ठीक है, इस पे भी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट एक्सरसाइज हम लोग स्टार्ट करना चाहते हैं, तो एक्सरसाइज लेकर के चलते हैं। एक्सरसाइज हमारा 3.1 है। 3.1 में हमारा एक्सरसाइज है फाइंड द रेडियन, इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है। जैसे 25 डिग्री फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, 25 डिग्री है, मैंने बोला 25 डिग्री के स्थान पे पाई अपॉन 180, इसको 5 से कैंसिल कर सकते हैं, तो हमारा हो जाएगा 5 पाई अपॉन 36, ये रेडियन हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन में सभी में सेम अप्लाई करना है। सेकेंड है फाइंड द डिग्री मेजर कम, अब सेकेंड में क्या करना है, डिग्री में चेंज करना है। जैसे 11 अपॉन 16 दिया गया है, या -4 है, या 5 पाई अपॉन 3 है, तो 11 अपॉन 16 इसको क्या करना है, डिग्री में चेंज करना है, तो 180 अपॉन पाई हो जाएगा। 11 अपॉन 16, 180 अपॉन पाई की वैल्यू हो जाएगा 22/7, 22/7 भी होता है। ये हमारे पास हो जाएगा, कट करेंगे इसको तो 8 हो जाएगा, 90 इसको करेंगे 4 45, 31 करेक्ट, 8 हो जाएगा। चौबीस
ये डिग्री में हो जाएगा। अगर इसको इंटरचेंज करना चाहते हैं तो हम लोग और भी चेंज कर सकते हैं, 39 3/8 मल्टीप्लाई 16 कर देंगे तो मिनट्स में हो जाएगा, ठीक है। फिर ये कट जाएगा, दो से 15 तो 39 करेक्ट, 45/2 हो जाएगा, या 39 करेक्ट मिनट्स सेकेंड, ऐसे करके आ जाएगा। उसे भी चेंज कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है, सिर्फ उतना करके भी सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, ये व्हीकल मेक्स 360 डिग्री। देखिए 1 मिनट में वो 360 डिग्री अगर एंगल क्रिएट करता है, तो 1 मिनट मीन्स इन 60 सेकेंड, 60 सेकेंड में 360 डिग्री एंगल क्रिएट करता है, तो 1 सेकेंड में कितना करेगा, 360/60 हो जाएगा, दैट मीन्स 6 डिग्री हो गया। इसको डिपेंडेंट्स क्वेश्चन हो जाएंगे। फाइंड द डिग्री मेजर एंगल ऑफ साइकल्स हुज सर्किल ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर बाय द आर्क ऑफ लेंथ 12 सेंटीमीटर। देखिए आर्क हमारा क्या होता है, 2πr होता है, 2π के स्थान पे 12/16 हो जाएगा, आर के स्थान पे रेडियस दिया गया है 100, तो ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर 200π भी कर सकते हैं, पर उसमें भी क्वेश्चन आ सकते हैं, सिंपल सा। एक चीज़ हम लोग जानते हैं, जैसे एंगल इज इक्वल टू रेडियस, इस पे आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, बहुत से क्वेश्चन इस पे जो हैं, जो हमारे नीचे के ऑल क्वेश्चन हैं इस पे डिपेंडेंट हो जाएंगे। अगर हम लोग ना कोण इज इक्वल टू चाप बटे त्रिज्या होते हैं, लोअर क्लासेस में देखे होंगे, तो उस पे क्वेश्चन बन जाएंगे। चाप दिया रहेगा, त्रिज्या दिया रहेगा, तो आप कोण निकाल सकते हैं इजिली से। नेक्स्ट इस एक्सरसाइज में इस पे क्वेश्चन हो जाएंगे, जो क्वेश्चन नहीं होते हैं आप उसको कमेंट कीजिए, और अगला क्वेश्चन हम एक और वीडियो बनाते हैं, तो उसमें जो भी क्वेश्चन समस्या में आपको रहता है उसको पूछिए, बता दिया जाता है। एक्सरसाइज 3.2 हम लोग चलते हैं, 3.2 देखा, फाइंड द वैल्यू ऑफ द अदर ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन इन एक्सरसाइज 1-5। इसमें कुछ क्वेश्चन दिए, जैसे कॉस एक्स इक्वल टू -1/2 दिए गए हैं, कॉस एक्स इक्वल टू -1/2 दैट इज लाइज बिटवीन थर्ड कोऑर्डिनेट। देखिए आपने एक चीज पढ़ा होगा ऐसे, ACTS ऑल पॉजिटिव ऑल स्टील टाटा कंपनी, इसमें ऑल पॉजिटिव होता है, इसमें साइन और कोशिक, टैन कॉट और कॉस सेक, तो थर्ड्स में माइनस है, जिसमें केवल टैन और कॉट पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव होंगे, तो कॉस एक्स इक्वल टू 1/2। कॉस इक्वल टू क्या होता है, बीस अपान हाइपोटेनियस होता है, मतलब आधार बटे कर्ण, दैट मीन्स हमको लंब निकालना है, ठीक। आधार दिया गया है 1, कर्ण दिया गया 2, इसको निकालेंगे पाइथागोरियन ट्रिपल्स से, कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, इसके रखकर √3 आ जाएगा। बाकी जो कॉन्सेप्ट बनेंगे, जैसे साइन एक्स इक्वल टू साइन थीटा इक्वल टू लंब अपॉन कर्ण, लंब हमारा निकला √3/2 हो जाएगा,
इसमें है थर्ड क्वाड्रेंट में है तो ये माइनस में हो जाएगा, कॉस तो है ही, टेन एक्स टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, लंब अपान आधार होता है, लंब हमारा है अंडर रूट थ्री अपान वन, अंडर रूट थ्री हो जाएगा, कॉट एक्स क्या होता है आधार बटे लंब, वन अपान अंडर रूट थ्री, वन अपान अंडर रूट थ्री हो जाएगा, सेक एक्स क्या होगा कर्ण बटे आधार हो जाएगा, तो हो जाएगा टू अपान वन इक्वल टू टू हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, और कोसिक एक्स कर्ण बटे लंब, कर्ण हमारा हो जाएगा टू अपान अंडर थ्री। एक अगर हमको ट्रिग्नोमेट्रिकल का एक फंक्शन दिया गया है तो बाकी हम इस ट्रिक्टिल निकाल सकते हैं, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगा। क्वेश्चन फाइव तक सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन सिक्स दिया गया, फाइंड द वैल्यू ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन इन एक्सरसाइज जो सिक्स टू टेन। सिक्स टू टेन में वैल्यू फाइंड करना है। साइन सेवन डिग्री सिक्सटी फाइव, साइन सेवन हंड्रेड सिक्सटी फाइव, तो इसको हम ऐसे चेंज करते हैं जैसे फार्मूला हमारा होता है, जो साइन कॉस एन इंटू थ्री सिक्सटी प्लस माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा होता है, तो इसको हम लोग चेंज कर लेंगे ऐसे, साइन टू इंटू थ्री सिक्सटी प्लस फोर्टी फाइव, फोर्टी फाइव ऐड कर देंगे तो सेवन हंड्रेड सिक्सटी फाइव हो जाएगा। अभी हमारा फार्मूला आ जाएगा इस बेस पे साइन फोर्टी फाइव डिग्री, साइन फोर्टी फाइव वैल्यू क्या होता है वन अपॉन अंडर रूट टू होता है। सिंपल से कॉन्सेप्ट में सिक्स सेवन एट नाइन अब सॉल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। और अगर कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम्स क्रिएट होता है तब उसको विदाउट हेजिटेटली क्वेश्चन आस्क कीजिए, बताए जाएंगे। ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल्स में वैल्यू होते हैं जो स्पेशली आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा, एक्सरसाइज बेस्ट है। एक्सरसाइज 3.3 हम लोग देखते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिकल जितने भी बेसिक फार्मूले हैं ठीक है, वो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, आइडेंटिटीज हैं, ए प्लस बी के फार्मूले हैं, साइन सी प्लस डी के हैं। ट्रिग्नोमेट्रिकल का मैंने फार्मूले का एक वीडियो में इसमें डाला हुआ है, इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देते हैं। फार्मूले का एक वीडियो हमारे पास है, ट्रिग्नोमेट्रिकल आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं ठीक है। तो फार्मूले आपको वहाँ से मिल जाएंगे, बाकी हम एक्सरसाइज को देखते हैं। ऐसे प्रूव दैट साइन स्क्वायर पाई बाई सिक्स, क्वेश्चन है साइन स्क्वायर पाई अपॉन सिक्स प्लस कॉस स्क्वायर पाई अपॉन थ्री माइनस टेन स्क्वायर पाई बाई फोर इक्वल टू वन बाई टू। वी हैव टू प्रूव दैट्स क्योंकि साइन स्क्वायर पाई बाई सिक्स दैट मीन साइन थर्टी डिग्री, साइन थर्टी डिग्री वैल्यू वन बाई टू इसका स्क्वायर हो जाएगा, कॉस सिक्सटी डिग्री, कॉस ऑफ सिक्सटी डिग्री की वैल्यू वन बाई टू स्क्वायर हो जाएगा, माइनस पाई बाई फोर की वैल्यू वन है स्क्वायर तो स्क्वायर हो जाएगा, वन अपॉन फोर प्लस वन अपॉन फोर माइनस वन, टू अपॉन फोर माइनस वन, वन बाई टू हो जाएगा। माइनस वन बाई टू, माइनस वन बाई टू प्रूव करना है ठीक, ए आर एच एस हो जाएगा, एल एच एस को लेकर के हम सॉल्व कर रहे थे फर्स्ट क्वेश्चन। तो सिंपल से केवल वैल्यू आपको पुट कर देना है। क्वेश्चन फोर तक सेम क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन सिक्स सेवेंटी फाइव, सेकेंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फाइव देखते हैं हम लोग। साइंस
अदर टाइप का वन इस टाइप का क्वेश्चन, फोर क्वेश्चन सेम टाइप है, उसको आप लगा सकते हैं। साइन 75 है, उसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं साइन 30 प्लस 45। ये फार्मूले होते हैं साइन ए प्लस बी का, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, उस पे रखते हैं साइन 30 कॉस 45 प्लस कॉस 30 इंटू साइन 45। साइन 30 वन अपॉइंट टू कॉस 40 टू अंडर रूट वन अपॉइंट अंडर रूट टू कॉस 30 अंडर रूट 3 बाई टू इंटू वन अपॉइंट अंडर रूट टू वन अपॉइंट टू रूट टू अंडर रूट 3 अपॉइंट टू रूट टू, बेस सेम है वन प्लस अंडर रूट 3 अपॉन टू रूट टू, ये हमारी वैल्यू हो जाएगा साइन ऑफ 75 की। ठीक है, तो इजीली से हम इसको फाइंड कर सकते हैं। सेम इसका सेकंड क्वेश्चन हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 6। फार्मूले पे बेसिस पे ही है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। देखिए एक फार्मूला होता है हमारा, क्वेश्चन वीडियो को पॉज करके आप कर लीजिएगा, हम इरेज करके बता दे रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर जो हमारा नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 6, फार्मूला जो हमारे कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, दैट इज द फार्मूला ऑफ कॉस ए प्लस बी। तो सेम कंडीशन अगर हम अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस ए के स्थान पे क्या है पाई बाई फोर माइनस एक्स, और ये पूरा ए हो गया, प्लस बी के स्थान पे है पाई बाई फोर माइनस वाई। ओके, तो इसको अगर हम ऐड करें तो कॉस पाई बाई फोर प्लस पाई बाई फोर माइनस एक्स प्लस वाई हो गया, ये हमारा हो जाएंगे कॉस, ऐड कर देंगे तो पाई बाई टू हो गया, टू पाई बाई फोर कैंसिल हो जाएगा माइनस एक्स प्लस वाई। यू नो दैट्स कॉस पाई बाई टू माइनस थीटा दैट इज साइन थीटा, कॉस नब्बे माइनस थीटा साइन थीटा होता है, साइन एक्स प्लस वाई हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7, केवल वैल्यू को पुट कर देना है पाई बाई फोर, टेन ए प्लस बी का फार्मूला अप्लाई करके ईजिली से कर सकते हैं। फार्मूले की वीडियो मैंने एक भी पीछे भी मैंने बताया कि इसमें डाले हुए हैं, वीडियो देख लीजिएगा पूरा ऑल टू ऑल फार्मूला है उसमें। टेन पाई बाई फोर प्लस एक्स अपॉन टेन पाई बाई फोर माइनस एक्स, तो टेन ए प्लस बी का फार्मूला कर दीजिए पाई बाई फोर प्लस एक्स प्लस टेन एक्स वन माइनस टेन पाई बाई फोर इंटू टेन एक्स, इसका फार्मूला हो जाएगा ऐसे माइनस का टेन पाई बाई फोर माइनस टेन एक्स अपॉन वन प्लस टेन पाई बाई फोर इंटू टेन एक्स। यू नो दैट्स टेन पाई बाई फोर वैल्यू वन होता है, तो हो जाएगा हमारा वन प्लस टेन एक्स बटे वन माइनस टेन एक्स, मल्टीप्लाई होगा तो ये ऊपर चला जाएगा वन प्लस टेन एक्स नीचे वन माइनस टेन एक्स, तो देखिए मल्टीप्लाई होगा तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा टेन एक्स बटे वन माइनस टेन एक्स होल का स्क्वायर, ये हमारा आर एच एस नहीं जाएगा। ठीक है, सेम क्वेश्चन नंबर 8 भी है, उसमें केवल वैल्यू पुट करना है, कॉस ऑफ 180 प्लस एक्स नो चेंज, तो कॉस एक्स हो जाएगा, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, कॉस 180 प्लस एक्स माइनस कॉस एक्स हो जाएगा, कॉस माइनस थीटा कॉस एक्स ही होता है अपॉन साइन पाई माइनस एक्स साइन एक्स इंटू कॉस पाई बाई टू प्लस एक्स माइनस साइन एक्स,
ये कैंसिल हो जाएगा, दैट इज cos स्क्वायर x अपॉन sin स्क्वायर x, दैट इज आल्सो नोन एज रिटन एज cot स्क्वायर x। सिंपल सा हो जाएगा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, सेम वैल्यू केवल पुट करके रखना है। इस बेसिक से क्वेश्चन जो भी हैं ऑल टू ऑल उसी पर डिपेंडेंट है। 12 देखिए फार्मूले जो हमारे पास हैं, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, दैट इज साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, दैट इज साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी हो जाएगा। तो सेम क्वेश्चन है, साइन स्क्वायर 6x 4x इस पे अगर हम ऐसे फाइव पुट करेंगे वैल्यू क्या होगा, 6x प्लस 4x इंटू साइन 6x माइनस 4x, दैट इज साइन 10x इंटू साइन 2x, आर एच एस हो जाएगा। इजली क्वेश्चन है 13, इसी का है कॉस स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर बी का कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी का। साइन सी प्लस साइन डी की भी फार्मूले हैं, कॉस सी प्लस कॉस डी के फार्मूले हैं, सेम उसी पे क्वेश्चन आते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 14 ही देखते हैं हम लोग, साइन 2x प्लस 2 साइन x प्लस साइन 6x तो इसको एक साथ लेकर के साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, साइन 2x प्लस साइन 6x पहले लिख लेते हैं, इसको ऐसे ही साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, साइन सी प्लस साइन डी का 2 का सी प्लस डी बाई 2, टू कॉस सी प्लस कॉस डी फॉर्म, टू कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू, साइन का जोड़ देंगे तो 8x अपॉन 2 हो जाएगा इंटू कॉस डी माइनस सी, तो हो जाएगा 4x अपॉन 2 हो जाएगा। जाएगा 2 cos 4x इंटू cos 2x प्लस 2 sin x, इसमें से कॉमन कर लीजिए, एक साइन होता है ना, सो कॉमन कर लेंगे तो भी हो जाएगा। देखिए इसको साइन होता है तो इसमें से 2 साइन 4x कॉमन हो जाएगा, ऐसे अपन बचेगा 2 cos x प्लस 1 2 sin 4x, 2 cos 2x का फॉर्मूला होता है ना, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 प्लस 1, ये कैंसिल हो जाएगा तो 4 cos स्क्वायर x इंटू साइन 4x हो जाएगा।
इस तरीके से इंग्लिश को सॉल्व कर सकते हैं। और हमारे सी प्लस डी टाइप्स को भी क्वेश्चन होते हैं जिनको आप आसानी तरीके से देख सकते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 16 है, 16, 17, 18, 19, 20, 21, ऑल टू ऑल सेम बेसिस पे हैं, उसको भी उसी तरीके से सॉल्व करना है। कॉस 9x माइनस कॉस 5x अपॉन साइन 17x माइनस साइन 3x, ऊपर कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला लगाते हैं, नीचे साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला क्या होता है, टू कॉस सी प्लस डी बाई टू, तो नाइन एक्स प्लस फाइव एक्स अपॉन टू इंटू साइन नाइन एक्स माइनस फाइव एक्स अपॉन टू अपॉन साइन सी माइनस साइन डी का फार्मूला माइनस कॉस टू साइन सी प्लस डी बाई टू सेवेंटीन एक्स प्लस थ्री एक्स अपॉन टू टू साइन डी माइनस सी बाई टू थ्री एक्स माइनस सेवेंटीन एक्स अपॉन टू हो, तो ये हमारे पास हो जाएगा टू कैंसिल हो जाएगा, कॉस 14 कॉस 7x इंटू साइन 2x अपॉन कॉस 10x इंटू साइन 7x ठीक, हमको लाना है साइन टू एक्स अपन कॉस टेन एक्स। अच्छा एक इसमें कॉस होता है ना, एक कॉस होता है, हमारे पास हो जाएगा कॉस सेवन एक्स, कॉस सेवन एक्स कॉस सेवन एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो साइन टू एक्स अपन कॉस टेन एक्स। ठीक है, फार्मूले पे केवल रख देना है वैल्यू दे करके, सिंपली हो जाएगा। सेम क्वेश्चन ट्वेंटी वन तक सेम उसी बेसिस पे क्वेश्चन है, आई होप आप लोग लगाएंगे क्वेश्चन हो जाएगा। और भी कोई क्वेश्चन अगर प्रॉब्लम हो तो उसको आप कमेंट करके बताइए, नेक्स्ट वीडियो पे उस ऑल डाउट क्वेश्चन को फिर से बना दिया जाएगा। ऐसे क्वेश्चन नंबर 14 24 है, कुछ अलग तरीके का दिख रहा है, कॉस 4x 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, ये कॉस स्क्वायर एक्स का फार्मूला कॉस 4x का 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, बट एक्स के स्थान पे 2x होगा, 1 माइनस 2 साइन एक्स का फार्मूला आता है 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, इसका स्क्वायर आप स्क्वायर कर देंगे 4 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 हो जाएगा, इस तरीके से इसको कर लेंगे। सेम कॉस सिक्स एक्स का है, इसी पैटर्न पे हम उसको सॉल्व करेंगे, वन स्टेप और सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का क्वेश्चन बता देते हैं, आप लोग उसमें का क्वेश्चन लगाइए, जो नहीं होता है उसकी हम लोग चर्चा करते हैं।
देखिए इक्वेशन आइडेंटिटी में चेंजिंग होता है, इक्वेशंस को क्वेश्चन को अगर आप लगाने की कोशिश करेंगे बहुत आसान तरीके से क्वेश्चन होता है। इसमें फार्मूले सिंपल है, यदि इसे साइन थीटा इक्वल टू साइन एक्स मिल जा रहा है तो यहाँ से थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस वन टू द पावर एन इंटू अल्फा ऑल वैल्यू मैसेज करता है। कॉस थीटा इक्वल टू कॉस एक्स थीटा इक्वल टू टू एन पाई प्लस माइनस अल्फा, यदि टेन थीटा इक्वल टू टेन एक्स आता है तो थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस अल्फा फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, इसके लिए आइडेंटिटीज होते हैं, इसके स्टैंडर्ड वैल्यू होते हैं ठीक है। और एक चीज है जैसे साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स हो गया या कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स हो गया या टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू टेन स्क्वायर एक्स हो गया, इन सभी के लिए होता है थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस अल्फा ठीक है। इन तीनों के लिए हमारे पास ये आइडेंटिटीज होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन बहुत नॉर्मली तरीके से आप लोग सॉल्व करेंगे, सर टेन एक्स इक्वल टू रूट थ्री, टेन एक्स इक्वल टू रूट थ्री, या टेन में कितनी डिग्री की वैल्यू होती है, टेन सिक्सटी डिग्री दैट मीन्स पाई अपॉन थ्री, टेन एक्स इक्वल टू टेन अल्फा, एक्स इक्वल टू एन पाई प्लस अल्फा का स्थान पे पाई बाई थ्री, केवल फार्मूले पर देना है, टेन थीटा बराबर टेन अल्फा थीटा बराबर एन पाई प्लस अल्फा। तो सेम क्वेश्चन फॉर द हो जाएगा, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, जैसे कॉस फोर एक्स इक्वल टू कॉस टू एक्स, क्वेश्चन नंबर फाइव है कॉस फोर एक्स इक्वल टू कॉस टू एक्स, ठीक है कॉस थीटा इक्वल टू कॉस एक्स तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, दैट मीन्स फोर एक्स इक्वल टू टू एन पाई प्लस माइनस अल्फा, अल्फा का स्थान पर टू एक्स। देखिए दो कंडीशंस होगा, अगर हम प्लस लेते हैं यहाँ पे तो इधर आएगा तो घट जाएगा, तो टू एक्स इक्वल टू जाएगा टू एन पाई एक्स इक्वल टू एन पाई ठीक। सेकेंड कंडीशन अगर हम माइनस लेते हैं, अगर इसको हम माइनस कैलकुलेट करेंगे तो इधर क्या होगा, जुड़ जाएगा सिक्स एक्स इक्वल टू टू एन पाई, तो एक्स इक्वल टू जाएगा एन पाई अपॉन थ्री, सिंपल सा क्वेश्चन है। उस बेस से आपका हो जाएगा क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन में सी प्लस डी का फार्मूले अप्लाई करके सॉल्व करना है, तो ट्रिग्नोमेट्रिकल बेसिस के जो क्वेश्चन है ऑल टू ऑल इसी पे हैं। आई होप आप लोग इसको लगाएंगे, जो क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा हम आपको अगले वीडियो में सॉल्व करके बताते हैं।